एंड पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब इलेक्ट्रॉनिक्स के एक बड़े गोदाम में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बस स्टैंड के पास भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगी आग इस कदर बढ़ती गई कि देखते ही देखते आग ने करीब 5 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और करीब 2 घंटे तक लगातार आग धधकती रही। स्थानीय दुकानों ने सूचना फायर ब्रिगेड को दे दी थी, बावजूद उसके फायर ब्रिगेड करीब 1 घंटे देरी से पहुंची। फायर ब्रिगेड ने कुछ देर में आग पर काबू पा लिया, मगर इस भीषण आग हादसे में इलेक्ट्रॉनिक के गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दुकानदार के अनुसार आग से करीब 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उधर आग आसपास फैल जाने की वजह से और भी दुकानों में काफ़ी सामान जल गया है। दुकानदारों का कहना है कि अगर समय पर फायर ब्रिगेड पहुँच जाती तो इतना नुकसान नहीं होता। किस चीज की आपकी गोदाम था? इलेक्ट्रिक का। कैसे आग लग गई? क्या मालूम, अभी 15 मिनट पहले तो नीचे ही गए और 15 मिनट में इतनी तेज आग लगी कि पता ही नहीं चला शॉर्ट सर्किट से लगी कैसे लगी। बाकी MCB पूरी बंद थी, क्योंकि जब भी गोदाम आते थे तो MCB बंद कर देते थे वापस जाने पे, वो MCB चालू करके ही जाते थे। पूरा खत्म हो गया साहब, 20 से 25 लाख रुपए का। 20 से 25। क्या क्या सामान जला? ये हमारे पूरे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स थे। एक्चुअल में मैं सर्विस सेंटर चलाता हूँ, तो उसके ऑथराइज जो सामान होते हैं वो रखे रहते हैं पार्ट्स। ये सर्विस सेंटर का वो अपन ऑफिस बनाए थे। सर पता चला था कि मतलब के इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लगी है बस स्टैंड पे कलारी के पास जी। कितना आग लगी थी, कितना नुकसान हो गया? पूरा नुकसान हो गया उनका, मतलब पूरा भर गया था। दो सिलेंडर फूटे हैं, दो सिलेंडर फट गए हैं, 2-3 सिलेंडर थे उसमें जो वो भी फट गए हैं। हम लोग के आते आते 2 फायर ब्रिगेड आई। छतरपुर से सुनील शिवहरे की रिपोर्ट।